तकरीबन डेढ़ घंटे तक बंद रहने के बाद व्हाट्सएप ने फिर दोबारा काम करना शुरू कर दिया है। इससे पहले व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया था। दुनिया भर के कई यूजर ने शिकायत की थी कि व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं आ रहा है, ना ही जा रहा है। अंदाजा लगाया गया कि व्हाट्सएप को हैक कर लिया गया है, लेकिन अब व्हाट्सएप ठीक हो गया है। मैसेज करने के मामले में व्हाट्सएप भारत में करोड़ों यूजर की पसंद है। ऐसे में व्हाट्सएप का डाउन होना परेशानी का सबब है। भारत में व्हाट्सएप के तकरीबन 48 करोड़ यूजर हैं। इस बीच मेटा का बयान आया है, जिसमें उसने कहा है कि हमें समस्या की जानकारी है, हम इसे ठीक करने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि व्हाट्सएप का एक मैसेज और वीडियो कॉलिंग ऐप ज्यादातर इंटरनेट यूजर मैसेज के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। इसकी लोकप्रियता का आलम है कि इसे लोग ऑफिस में भी इसे खूब इस्तेमाल करते हैं, इसलिए व्हाट्सएप बंद होने से यूजर परेशान हैं। व्हाट्सएप के सर्वर डाउन होने पर मेटा का बयान आया है। बताया गया है कि हम जानते हैं कि वर्तमान में कुछ लोगों को मैसेज भेजने में समस्या हो रही है और हम जल्द से जल्द सभी के लिए व्हाट्सएप को रीस्टोर करने के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि अभी व्हाट्सएप की तरफ से यह नहीं बताया गया है कि ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन को ठीक कर लिया गया है, लेकिन अभी तक वो ठीक कर लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि व्हाट्सएप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कानपुर, हैदराबाद, लखनऊ और बेंगलुरु में नहीं चल रहा है। माना जा रहा है कि व्हाट्सएप दुनिया भर के कई जगहों में नहीं चल रहा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।